ये वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे WWE में लड़ी गई हर एक फाइट पूरी तरह से नकली होती है। ये मशहूर WWE रेसलर स्विम्स है जो मार्क हेनरी को अपनी स्पेशल मूव ब्रोक किक मारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मूव स्लो मोशन में देखने पर पता चलता है कि ये चालाकी से पेश की गई सरासर झूठी और स्क्रिप्टेड फाइट है। ये किक असल में मार्क हेनरी को लग ही नहीं रही। एजे स्टाइल वर्सेज जॉन सिना वर्सेज डीन एम्ब्रोस मैच, जिसमें हमें देखने को मिलती है ये 100% झूठी 5 नकल सफल मूव, जिसे स्लो मोशन में आपको दिखाते हैं। और देखिए, असल में ये जॉन सिना के दोनों हाथ इन दोनों रेसलर को टच भी नहीं कर रहे। ये दोनों ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे ये पंच इनको बहुत बुरी तरह लगा हो। मानना पड़ेगा WWE के कैमरा मैन और एडिटरों को, जो ये सभी नकली फाइट को असली फाइट कर दिखा देते हैं। खैर, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जेफ हार्डी और जिम्बर महल के 2018 के रॉयल रंबल मैच की, जिसके इस मूव को स्लो मोशन में देखने के बाद यह सच सामने निकल कर आया कि जेफ हार्डी की फ्लाइंग किक जिम्बर को लगी ही नहीं, जिसके बाद जिम्बर महल झूठी एक्टिंग करते हुए नीचे गिरने का ढोंग करते हैं। इसकी को एक बार फिर देखकर और आप खुद बताइए कि असल में ये किक किसको लगी या नहीं लगी। रेसलमेनिया का 34वां सबसे रोमांचक और चहिता मैच, जो हर कोई देखने की उम्मीद में था, ये मैच द अंडरटेकर और जॉन सिना के बीच था, जिसके ये सीन थोड़े गौर से देखी आपको इनको ऐसे देखने पर मालूम ही नहीं होगा कि ये दिखाई जा रही हर मूव सरासर झूठी है। चलिए दोस्तों, आपको नजर नहीं आई तो हम आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कराने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इन मूव्स को और खुद बताइए कि क्या ये सब सच में हो रहा है या फिर पूरी तरह से तैयार की हुई स्क्रिप्टेड फाइट से ज्यादा और कुछ नहीं। WWE की हर मूव फेक और स्क्रिप्टेड होती है। अगर ये बात आपको सच ना लगे तो YouTube पर फेक WWE ट्रेनिंग फाइट HHH सर्च कीजिए, तभी ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें खुद HHH लड़कों को ट्रेनिंग देते हुए नजर आएंगे, जिसमें वह सबको ये सिखाते हैं कि कैसे आप लोगों को झूठे तरीके से नकली मूव को भी असली जैसा दिखा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अंत में जय हिंद दोस्तों।